भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। व्यक्ति को जब उसके अपराध का दंड मिलता है, तब कभी कभी उस न्याय को देखकर मन कचोटता है। प्रश्न उठता है हृदय में कि जब वो अपराध हुआ था तब व्यक्ति भिन्न था, उसके पश्चात उसने इतने पश्चाताप किए, स्वयं में इतना परिवर्तन किया, फिर उसे दंड क्यों मिले? पर जहां आघात होता है वहां प्रत्याघात भी होता है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा, यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही न्याय। तो फिर प्रायश्चित पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं है? अवश्य है मूल्य। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है। आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। अर्थात बिना प्रायश्चित के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य है? स्वयं विचार कीजिए। जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को उसके दुष्ट कार्य में सुख मिलता है, तो मन अवश्य ये विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है ये भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है, अकुलाता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। क्या ये सुख? जबकि धर्म पे चलने वाले, अच्छा कार्य करने वाले सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा। अर्थात अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं, अच्छा बर्ताव स्वयं सुख। अथवा बुरा बर्ताव भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं, अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है। धर्म से सुख नहीं, धर्म स्वयं। सत्ता की लालसा सबके हृदय को घेरे रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना एक राष्ट्र निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करता है। फिर वो राष्ट्र कुरु राष्ट्र की भांति बहुत बड़ा हो या फिर अपने परिवार तक सीमित हो, वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करता है। किंतु सत्ता का वास्तविक रूप क्या है?
क्या हमने कभी विचार किया है? एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके, जितने अधिक लोगों के जीवन की स्वतंत्रता पर अंकुश रख सके, उतनी ही अधिक सत्ता का अनुभव करता है वो। सत्ता का वास्तविक रूप ही है अन्य के जीवन पर स्वयं का प्रभाव। किंतु क्या वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं होता? जब भी मनुष्य कठोरता और अधर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तब वो दूसरों के हृदय में विरोध अथवा विद्रोह को जन्म देता है, और परिणाम कुछ इस प्रकार। हां, कुछ समय के लिए वो स्वयं को प्रभावी और शक्तिशाली अवश्य पाता है, किंतु वो वास्तविक सत्ता नहीं। यही कारण है कि भृगु और वशिष्ठ जैसे ऋषियों की आज भी पूजा की जाती है, रावण और हिरण्यकश्यपु की नहीं। इस पर तो आप विचार अवश्य करें। सत्य कहा ना? इस संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संपूर्णतः संस्कार रहित होता है। उसके अंतर पर ना किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं, ना ही बुरे संस्कार के। अर्थात जन्म से बालक में ना कोई गुण होता है और ना ही कोई दोष। तो ये दोष अथवा गुण किस प्रकार प्राप्त होते हैं? क्या हमने कभी विचार किया है? जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, वही बात उनकी संतानों के हृदय का संस्कार बनती है। जैसे किसी गांव में नदी तट तक एक पगडंडी बन जाती है केवल उस मार्ग पर बार बार चलने के कारण। अर्थात माता पिता के हृदय की इच्छाएं उनकी संतानों के हृदय का दोष अथवा गुण बनकर जन्म लेती है। क्या ये सत्य नहीं? पर फिर भी जब उनकी संतानों में कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते। माता पिता का हृदय ये प्रश्न करता है कि उनकी संतानों में ये कुसंस्कार आए कहां से। सत्य तो यही है कि माता पिता अपनी संतानों को अनजाने में ही कुसंस्कार के बीज दे देते हैं, जो उनके संतानों की हृदय भूमि पर कुसंस्कार का वृक्ष बनकर उगता है। अर्थात अपनी संतानों को सुसंस्कारी और धर्ममय बनाने की आशा रखने वाले प्रत्येक माता पिता को प्रथम अपने हृदय की इच्छाओं पर अंकुश रखना क्या अनिवार्य नहीं? प्रत्येक माता पिता इस पर विचार अवश्य